इसने क्वेश्चन पूछा है कि उनका एक प्रिंटिंग का बिजनेस है, वो उसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात, अगर खाली प्रिंटिंग का बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो ज्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे। आप क्या कर पाओगे, एड चला पाओगे और आप लोकल एसईओ कर पाओगे या फिर आसपास बैनर वैनर लगा पाओगे। तो उसमें क्या आप करोगे, आपका मैसेज क्लियर कट होगा। आपको प्रिंट कराना तो कॉन्टैक्ट अस, प्लान बनाना। पर मेरा मानना है अगर आप उस प्रिंटिंग के बिजनेस को मोल्ड कर दो प्रोडक्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट हो सकता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, हमसे कैलेंडर बनवा लो, ठीक है, हमसे ऑफिस के लिए बुक्स बनवा लो, हमसे अगर आप प्रिंट करते हो हमसे ऑफिस के लिए फ्रेम्स बनवा लो। अब फ्रेम्स डिजाइन भी आप कर रहे हो, सब कुछ आप करके दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग भी आपकी, सब कुछ आपका, कंट्रोल भी आपका, और आप अच्छा मार्कअप रख के प्रोडक्ट बेच पाओगे। खाली प्रिंटिंग के ऊपर क्या होगा, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा अंटिल अनलेस कि आपके पास बहुत बढ़िया मशीनें लगी हुई है और आप बी टू बी काम पकड़ना चाहते हो। तो बी टू बी काम डिजिटल से नहीं आएगा। बी टू बी के लिए आपको कंपनीज को अप्रोच करना पड़ेगा, कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर बिजनेस डेवलपर रखना पड़ेगा। वो जाएगा कंपनीज को मिलेगा, उनको समझाएगा हमारे पास क्या क्या पोर्टफोलियो, हम क्या क्या करते हैं, और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप प्रिंटिंग करते हो बॉटलिंग की, जो बॉटल के पास स्टिकर लगता है उसका आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, तो जो प्लान कर रहा है बॉटल वॉटल के ऊपर जो इस बिजनेस के अंदर, तो आपने पहले तो एड्स तो चला ही रखी है। जो है आप करेंटली काम कर रहा है, आप उनके पास गए, उनको कहा सर आपने प्रिंट करा रखा है, ये देखिए हमारे प्रिंट की क्वालिटी है और आपको इतने रुपए रेट में दे सकते हैं, आपको जब भी नेक्स्ट बैच करवाना हो तो हमको कॉन्टैक्ट जरूर करना। तो इस टाइप की उसको सेल्स करनी पड़ेगी, और आप उनसे आइडिया लेके आना होगा कि आपका कब खत्म होने वाला है लॉट। तो जब खत्म होने वाला होगा तो मेरे को बता देना, मैं आपको अप्रोच कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से चल पाएगा मेजरली ऑफलाइन के अंदर। और मेरा मानना है कि अपना प्रोडक्ट बनाओगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है।